यह अनमोल जिंदगी मिलती है जीने के लिए, कुछ निराले सपने ख्वाहिशें पूरे करने के लिए, पर वक्त बीत रहा है यहाँ कागज के टुकड़े कमाने के लिए। तो जिंदगी को थोड़ा सा ज्यादा जीने के लिए, जिंदगी को जिंदगी के मजे दिलाने के लिए, ये रोज की जिंदगी से कुछ खुशी के पल आजादी से बिताने के लिए, हर साल आजादी वाले दिन सुबह सुबह घर, रिश्ता, पैसा, करियर, शहर के फरेब से आजाद होकर निकल जाते हैं कहीं दूर खुशी की तलाश में। तो आप लोग को भी लिए चलता हूँ हमारे साथ एक वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस देने के लिए। तो हेलो, दिस इज अमन सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 15 अगस्त और आज हम लोग जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के राइड में। आज हम लोग का पूरा ग्रुप निकला है। कुछ कुछ ही बंदे हैं जो आज नहीं निकल पाए हैं, बाई चांस कोई भी कारण से वो लोग नहीं आए हैं, बट लगभग हम लोग के ग्रुप में जितने भी बाइक्स हैं, जितने भी बंदे हैं, सबके सब आ गए हैं। और एक्चुअली अभी मैं कार में जा रहा हूँ, बाकी सारे के सारे बंदे बाइक से जा रहे हैं। ये जो हम लोग जा रहे हैं आजाद हिंद ढाबा, NH2 पे पड़ता है, बर्धमान के तरफ है। हम लोग के घर से लगभग ये 75 किलोमीटर के आसपास है। तो इतना 75 किलोमीटर जाना, फिर 75 किलोमीटर आना, मतलब 150 किलोमीटर के पास आसपास का राइड हो जाएगा। आराम से जाएंगे, थोड़ा सा बाइक चलाएंगे, थोड़ा सा मजे करेंगे और इंजॉय करेंगे। ओके, तो आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय कीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे, सब कुछ देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो आज फिर हमारा ड्राइवर ही हमारा गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर शकल दिखा दो थोड़ा सा। हाँ, ये ड्राइवर का शकल, ये फिर से यही गाड़ी चला रहा है। हम लोग अभी कार में टोटल 4 बंदे हैं, बाहर निकल के कहीं पे अच्छे से इंट्रोड्यूस कराते हैं सबके साथ।
आजाद इन ढाबा में कितना ज्यादा क्राउड था, मतलब क्रेजी क्राउड था, बहुत ही ज्यादा, मतलब लोगों को जो मन में आ रहा वो कर रहा है। वहाँ पे खा तो एकदम बिल्कुल नहीं पाए, अभी शक्तिगढ़ के तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके कुछ खाएंगे पियेंगे। पूरा ग्रुप हम लोग का निकल रहा है, मैं फिर से कार में हूँ और आते समय मैं बाइक राइड करके आऊँगा, डिसीजन हो गया है। तो चलिए अभी जा करके पहले कुछ खाते हैं। कसम से बता रहा हूँ यार, इतना बाइक ओह सब पागल हो गया देखते देखते। किलोमीटर आगे बर्धमान के तरफ आ करके यहाँ पे एक होटल दिखा है, दो होटल है एक्चुअली। तो हम लोग सोचे यहाँ पे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। तो अभी सामने जो होटल है वहाँ जाके हम लोग पहले पेट पूजा करेंगे, फिर आगे का डिसाइड करते हैं क्या करना है नहीं करना है। मतलब समझ में नहीं आ रहा वीडियो क्या बन रहा है, मतलब फुल इंजॉय कर रहे हैं, वीडियो गया तेल लेने के लिए, हम जिंदगी के मजे आ रहे हैं यहाँ पे। तो कार अभी इस पार लाने के लिए हम लोग को 1 किलोमीटर आगे जा करके फिर वहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ेगा, इसलिए कार हम लोगों ने वहाँ पे छोटा सा कार पार्क कर दिया है और अभी इस वाले सामने वाले होटल में जाएंगे खाएंगे। यार सच में बहुत जोर से भूख लगा है। तो इधर पे पत्ता खाली हो गया और यहाँ का सारा सामान पेट के अंदर चला गया है। पेट पूजा हो गया और हाथ में दही ले लिए है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिए है, गाड़ी में बैठ करके खाएंगे और शक्तिगढ़ के तरफ जाएंगे। वहाँ पे हम लोग का दोस्त ऑलरेडी पहुँच चुका है, वहाँ जा करके उन लोग से मिलेंगे, फिर आगे का डिसीजन करेंगे क्या करना है नहीं करना है। तो अभी हम लोग शक्तिगढ़ आए थे लैंगचा खाने के लिए, लैंगचा वगैरह खा लिए, अब इधर से निकलेंगे हम, बाइक से जाएंगे, कार से चेंज कर लिया, अब अपने अपने फॉर्म में आ गए हैं। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूंगा, इसके बाद वाले सारे सीन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग को वीडियो यहाँ तक बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो लाइक कर देना, और अगर जो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट मेरा व्लॉग के लिए जो मैं यहाँ से चला के घर तक जाऊँगा वो वाला व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, इसके बाद ही वो वाला व्लॉग आएगा। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो होप करता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो जितना पसंद किया है अगला वीडियो भी उतना ही पसंद करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही वीडियो डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा, फटाफट से देख लेना।